जगह घमासान नगरी निकाय चुनाव की वजह से है। सबसे पहले रुख छत्तीसगढ़ का करते हैं, जहां निकाय के नतीजे सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में अंदरूनी खींचतान की बात जग जाहिर हो गई। दरअसल पार्टी के वरिष्ठ नेता सच्चिदानंद उपासने ने अपने फेसबुक से एक नहीं बल्कि दो ऐसे कमेंट्स किए हैं जिसने संगठन के बड़े चेहरों के होश उड़ा दिए। उपासने ने लिखा है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। साथ ही वो लिखते हैं, पाप किए थे हमने, अपने कर्मों का ही फल पाया है। सच्चिदानंद के इन दो फेसबुक वाल कमेंट ने बीजेपी में हलचल तो मचाई ही है, साथ ही कांग्रेस को भी बोलने का मौका दे दिया है। सच्चिदानंद ने अपनी फेसबुक की टाइम लाइन पर जो लिखा है उसके पीछे की सच्चाई क्या है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही बात मध्य प्रदेश की भी होगी, जहां निकाय के रण से पहले सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष चुनने का अधिकार पार्षद को देने के साथ ही महापौर और नगर पालिका अध्यक्षों को वापस बुलाने का अधिकार भी खत्म कर दिया, जिसके बाद दो बड़े सवाल खड़े हो गए। एक सवाल यह है, कुर्सी पक्की होने से क्या निरंकुशता नहीं बढ़ेगी, जबकि दूसरा सवाल है कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होने पर क्या पार्षदों की खरीद फरोख्त को बढ़ावा नहीं मिलेगा। आज इन सवालों का जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ से, क्योंकि यहां मामला जैसे करनी वैसे भरनी का है। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव तो खत्म हो गए हैं, लेकिन इसके खत्म होने के साथ ही बीजेपी में सियासी भवंडर भी शुरू हो गया, जिसके जल्द खत्म होने के आसार नहीं लग रहे। दरअसल मामला नेताओं के बीच फूट रहे गुस्से से जुड़ा हुआ है। निकाय चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद उन नेताओं के पीछे बोल फूट रहे हैं जिन्हें रमन सरकार के कार्यकाल के दौरान हाशिए पर रख दिया गया था। विधानसभा में कड़ाई शिकस्त झेल चुकी बीजेपी को लोकसभा चुनाव के नतीजों ने संजीदगी जरूर दी थी, लेकिन प्रदेश के नेताओं को इसका श्रेय नहीं दिया। मगर अब जब निकाय चुनाव के जरिए बीजेपी संगठन की कमजोर हो चुकी जमीन को उर्वरक देने का बड़ा मौका हाथ से छूटा तो गुस्से से भरे बोल भी फूट पड़े। संगठन को चलाने वाले सिरमौर इस बात निशाने पर है। आगे चलकर इसके कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं, इस पर चर्चा शुरू करें। आइए उसके पहले एक रिपोर्ट देखें। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो, जैसी खरनी वैसी भरनी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सच्चिदानंद उपासने की फेसबुक पर की गई टिप्पणी ने संगठन के शूरवीरों को आईना दिखाने की कोशिश की है। टिप्पणी भले ही उपासने ने की हो, लेकिन संगठन के कई बड़े चेहरे इस पर अपना मौन समर्थन दे रहे हैं। सच्चिदानंद उपासने ने फेसबुक के जरिए यह टिप्पणी करके संगठन के बड़े नेताओं पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि पाप किए थे हमने, अपने कर्मों का ही फल पाया है। उपासने को संगठन ने कोरबा जिले की जिम्मेदारी सौंपी थी। कोरबा एकमात्र नगर निगम है जहां बीजेपी कांग्रेस से आगे रही, जबकि बाकी निगमों में बीजेपी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। लगता है कि सच्चिदानंद उपासने को यहीं से ताकत मिली और वह पार्टी के बड़े नेताओं पर भी फर पड़े। अपनी इस टिप्पणी को लेकर उपासने का कहना है कि उन्होंने जो बातें लिखी उससे जिसको जो समझना है वो समझ ले। जिनको समझना है वो समझेंगे, मैं तो सामान्यतः लिखते रहता हूँ फेसबुक में, व्हाट्सएप में। सच्चिदानंद उपासने ने जिस तरह से संगठन नेताओं पर तंज कसा है उसकी न सिर्फ बीजेपी में चर्चा है बल्कि कांग्रेस में भी उनकी बातों को लेकर खूब चुटकी ली जा रही है। अनुशासन का नारा देने वाली बीजेपी अब खुद संगठन नेताओं की आपसी खींचतान से जूझ रही है। संगठन में उठी यह विरोध की आंधी कहां जाकर थमेगी फिलहाल कोई नहीं जानता, लेकिन राजनीतिक प्रेक्षक ये जरूर मान रहे हैं कि बीजेपी के सत्ता में रहने के दौरान जो हालत कांग्रेस की थी, अब कांग्रेस के सत्ता में काबिज होने के बाद यही हालत बीजेपी की भी हो रही है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ बीजेपी नेताओं में अंदरूनी खींचतान किस कदर है और इससे पार्टी आगे चलकर कितना नुकसान उठा सकती है, इस पर चर्चा का दौर शुरू करें, जिसके लिए हमारे साथ रायपुर स्टूडियो में जुड़ गए हैं कांग्रेस नेता रमेश बल्यानी जी हैं। बल्यानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी हैं, आपका भी स्वागत है। स्वराज एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ के संपादक मनोज सिंह बघेल और हमारे भोपाल स्टूडियो से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार जी, आप लोगों का भी स्वागत है। कहाँ थे संजय जी, बहुत दिनों में दीदार हो रहे हैं आपके। खैर, समय आता है जाता है पलटता है। मनोज जी का जी
जी जी जी जी जी आप कुछ बोल रहे? पंडित जी, मनोज जी का बलौवा नहीं आया था और अच्छा हाँ, इसलिए थोड़ा विलंब हुआ है, लेकिन मैं तो अब सदैव उपलब्ध हूँ, कहीं दिक्कत नहीं है। चुनाव के दो दिन बाद आपके सामने बैठा हूँ, कहीं दिक्कत नहीं है। हर परिस्थिति पर मैं सामने बैठकर जवाब देता हूँ, तो मुझे लगता है कि स्वराज एक्सप्रेस का स्नेह तो हमेशा बना हुआ है, तो आज मैं आपके सामने हूँ। चलिए अच्छी बात है, मनोज जी पे ये ब्लेम न लगा दीजिएगा कि सच्चिदानंद जी को भड़का दिया मनोज जी ने, सारा सवाल आपसे ही। देखिए मीडिया का काम क्या है, मुझसे बेहतर आप समझते हैं। चलिए मुलाकात होती रहेगी, अब कुछ ना कुछ तो चाहिए जी। तो जी 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 जी, हालांकि आपकी व्यस्तता कम हो गई है त्रिपाठी जी। जी देखिए, ऐसा है कि चुनाव में इस तरह के परिणाम आते रहते हैं जी, लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से विधानसभा के परिणाम आए थे जी और लोकसभा के परिणाम भी आए, लोकसभा के परिणामों को ये कहा गया कि केंद्र के मुद्दे हैं, मोदी जी की लहर है, ये कांग्रेस के नेताओं का कहना था जी। उसके पश्चात दो उपचुनाव हुए, दो उपचुनाव में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके जिस तरीके से कांग्रेस ने दोनों सीटों को जीता जी, तो मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव इसी दिसंबर माह में पिछली बार हुए थे जी, और इस बार लगभग 12 महीनों के बाद जब ये चुनाव हुए हैं तो लगभग हम बराबर की स्थिति में खड़े हैं जी। और बावजूद इसके कि पूरी पद्धतियों को जिस तरीके से षड्यंत्र पूर्वक बदला गया, कारण आज तक नहीं मालूम, कोई जवाब नहीं दे पा रहा है कांग्रेस के नेता और ना ही सरकार जवाब दे पा रही है कि हमने डायरेक्ट इलेक्शन को इनडायरेक्ट क्यों किया, हमने ईवीएम को बदलकर मतपत्रों में क्यों किया, हमने मतदाता सूची में हेरफेर क्यों किया, मतदाता भटकते रहे हैं, और केवल महीने दो महीनों के अंदर में एक बार परिसीमन हो गया, आरक्षण हो गया, उसके बाद पद्धतियां बदल रही है, उसके बाद पद्धतियां बदल रही हैं। ऐसा नहीं कि पहले पद्धति बदल गई, छह महीने पहले एक मानसिक रूप से तैयार हैं, तो महीने दो महीने के अंदर में ये पद्धति बदलकर ये चुनाव कराना, इसका जवाब आज तक नहीं आया। तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं, मेरा ये आरोप नहीं है कांग्रेस की तरह कि ईवीएम खराब है या चुनाव आयोग खराब है, लेकिन कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि एक इंटरनल रिपोर्ट आती है जिसमें कांग्रेस डायरेक्ट इलेक्शन में हारती है, उसमें तत्काल प्रभाव से, और प्रभाव ऐसा आपको भी ध्यान होगा कि मुख्यमंत्री जी का बयान पहले आता है कि पद्धति बदलेगी, उसके बाद कमेटी का निर्माण होता है और कमेटी रिपोर्ट्स बाद में देती है, पहले निर्णय हो जाते हैं। तो आनन फानन में जिस तरीके से षड्यंत्र पूर्वक रचकर पदपत्रों का प्रयोग, ईवीएम को हटाना, मतदाता सूची और यहां तक कि पेटियों के अंदर में भी हेरफेर करके लगभग बराबर की स्थिति में आज कांग्रेस खड़ी है। इससे ज्यादा कांग्रेस से कुछ नहीं पाया, केवल 12 बराबर की स्थिति में है। स्थिति आज कांग्रेस संजय जी बराबर की स्थिति में कैसे कह सकते हैं, 10 में से 9 उनके कांग्रेस के महापौर बन रहे हैं, आप बराबर की स्थिति नहीं। मैं आ रहा हूँ त्रिपाठी जी। जी त्रिपाठी जी, मैं त्रिपाठी जी मैं समझाऊंगा जी। अभी मेयर के इलेक्शन नहीं हुए हैं जी, अभी केवल पार्षदों की संख्या है जो लगभग 2800-2900 ऐसा कुछ संख्या है जी, जी। और लगभग हम 50-60-70 पार्षद पीछे हैं जी, इसलिए अब अभी हम मेयर की बात नहीं करें जी, अभी हम अध्यक्ष की बात नहीं करें जी, और विशेषकर नगर पालिका और नगर पंचायत में तो लगभग हम बराबर की स्थिति में हैं जी। तो अभी केवल हम पार्षदों की, यदि आपने पद्धति बदली है तो हम पार्षदों की बात करें जी। बाद में आप कैसे खरीद करेंगे, कैसा फरोख करेंगे, उसके बाद आप महापौर बनाएंगे, जिस तरीके का वक्तव्य आ रहा है वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन आज पार्षदों की संख्या के आधार पर लगभग हम बराबर की स्थिति में हैं, वो रिकॉर्ड सामने है, वो रिकॉर्ड कोई मेरा मनगढ़ंत नहीं है, वो रिकॉर्ड आपके सामने भी होगा, मनोज जी के सामने होगा, तो हमें संतुष्टता है। ठीक है, पार्षदों के आधार पर ही तो अध्यक्ष बनना है, महापौर बनना है, लेकिन हमने परफॉर्मेंस हमारा अच्छा रहा, जो कांग्रेस कहती थी कि हम 70-80% हम चुनाव को जीतेंगे, वो आज लगभग 50-50% की स्थिति में है, तो हम संतुष्ट हैं। ऐसी सरकार से लड़ रहे हैं जो कि पद्धतियों को बदल दिए, जो सिस्टम को बदलकर चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन उसके बावजूद हम आज बराबर की स्थिति में खड़े हैं। संजय जी, एक बात आपने ठीक कहा, पार्षदों की संख्या अच्छी बताई, मैं आपको बता दूं यहाँ बीजेपी विपक्ष में है और कांग्रेस से उसको ज्यादा मत मिले हैं, कुल मिला के देखा जाए तो कांग्रेस के उससे काफी ज्यादा मत कांग्रेस से उसको मिले, फिर भी विपक्ष में है, तो जो जीता वो सिकंदर वाली स्थिति है। उपासने जी का आपने खुद कहा कि पिछले चुनाव में हम ज्यादा नगर निगम में थे, जो रायपुर का मामला है, उपासने जी का इशारा आप समझ गए होंगे किधर था, उनका इशारा ये था अंतर कलह, यानी पिछला महापौर का चुनाव बीजेपी वालों ने ही उनको हरवाया है, इसलिए खींच निकल गई है। देखिए त्रिपाठी जी, विषय ऐसा नहीं है, वो एक वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने एक शब्द कहा कि मैं ट्वीट करते रहता हूं जी,
तो अपने वक्तव्यों को उन्होंने सामने रखा है, कोई ऐसा संतुष्ट होता तो धरना प्रदर्शन आंदोलन पचासों नेताओं विरोध करते, ऐसी कहीं कोई स्थिति नहीं बनी है। लेकिन ठीक है, उनकी बातचीत होगी, उनका कोई व्यक्तिगत विचार होगा, हो सकता है उनको और अपेक्षा थी पार्टी में कि ज्यादा बेहतर होता, तो हम ये कह सकते हैं कोई अंतर्कलह, कोई विरोध, कोई प्रदर्शन परिणाम के बाद कहीं इस तरह की कोई चीजें नहीं है। और इतनी बड़ी पार्टी के अंदर में यदि कोई स्थिति बनती है तो इस तरह की बातें आती हैं, इसको हम कोई मुद्दा बनाकर कि पूरे प्रदेश में अंतर्कलह है, पूरे प्रदेश में बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं है। हम पिछले दिसंबर से इस दिसंबर में हमने बहुत कुछ गेन किया है, अब धीरे धीरे करके चार सालों के अंदर में हम आने वाला जो हमारे सामने चुनाव है उसमें भी हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, हम मर्यादी पास चलेंगे। लेकिन संजय जी, बीजेपी एक कहते हैं लौह अनुशासन कवच वाली पार्टी, अब तो खैर रहा नहीं, आप कांग्रेस में हो गए हैं, बहुत पहले आपको ध्यान होगा 94 की बात है, 93-94-95 के आसपास आप जानते होंगे, लक्ष्मीनारायण पांडे जी यहाँ प्रदेश अध्यक्ष थे और सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री पद से हटे थे। उन्होंने जब उपचुनाव हुए थे, उपचुनाव में बीजेपी लगभग सारी सीटें हार गई थी, 4 या 5 सीटों पर हुए थे, और पटवा जी ने सिर्फ इतना बयान दे दिया था कि अध्यक्ष पे ये ठीकरा फूटना चाहिए, उसके बाद उनको माफी मांगनी पड़ी थी, आपको ध्यान होगा। बल्लानी जी, आपके लिए तो बढ़िया बात है, अंदर चल रहा है जो भी चल रहा है, फेसबॉल है सारी चीजें, लेकिन जो अभी संजय जी ने कहा है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत प्रफुल्लित हो जाए कि आप जीत गए, जो पार्षदों की संख्या बनाई है, बताई है, वो रिकॉर्ड में है। जी नहीं नहीं त्रिपाठी जी सही है, लेकिन संजय जी की बातों से क्या झलकता है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात है जी। अब ये बोल रहे हैं कि हमने प्रणाली क्यों बदली, अरे इस पर पहले ही हमने स्पष्टीकरण दिया है कि पहले डायरेक्ट यदि महापौर का चुनाव करते थे तो महापौर आया कांग्रेस पार्टी के अनेक स्थानों पर, लेकिन परिषद में संख्या बढ़ी किनकी, ज्यादा बीजेपी की जी। तो रोजमर्रा के काम में बीजेपी के पार्षदों का इतना अड़ंगा होता था कि पिछले साल तो रायपुर नगर निगम का बजट ही पास नहीं हो पाया जी। तो इस विसंगतियों को दूर करने के लिए हमने ये कहा कि जिस ढंग से प्रधानमंत्री का चयन सांसद करते हैं निर्वाचित होकर, मुख्यमंत्री का चयन विधायक करते हैं, उसी तरह मेयर का चयन उस नगर निगम के पार्षदों का बहुमत करेगा। इस प्रणाली को लागू किया, इसमें गैर लोकतंत्र क्या हो गया, गलत क्या हो गया जी। दूसरी बात हमने ये कहा कि हम बैलेट पेपर के माध्यम से करेंगे, क्योंकि ईवीएम पे भरोसा नहीं जी। लेकिन बैलेट पेपर के बाद कहीं से कोई शिकायत नहीं कि कहीं बोगस पोलिंग भी हुई हो, कहीं मतगणना में भी कोई सरकार है बोगस पोलिंग हुई है, किसी हिम्मत सरकार आपकी है, बोगस पोलिंग आपने करा ली होगी, सरकार आपकी है, किसी हिम्मत है तो बोल दे जी। ये आरोप लगाते हैं इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। और मैं त्रिपाठी जी बता दूं, ये लाख बोले हैं, सरकारी मशीनरी से चुनाव जीता जाता जी। तो 15 साल रमन सिंह जी सरकार में थे जी। तो 2018 में रमन सिंह जी ने सरकारी मशीनरी से बहुमत क्यों नहीं हासिल कर लिया जी। ये तो जन शक्ति है, जनता का समर्थन जिसको मिलेगा वही विजयी होगा जी। और एक साल के जो भूपेश बघेल के जो कामकाज थे उसमें जनता ने मोहर लगाई है, और आपको ये जब चुनाव हो जाएंगे मेयर के और अध्यक्षों के तो आप पाएंगे कि 10 के 10 नगर निगम में कांग्रेस पार्टी के मेयर आएंगे जी। नगर पालिकाओं में और नगर पंचायत में यह स्थिति होगी, क्योंकि जो निर्दलीय जीत के भी आए हैं जी, उन निर्दलियों में कुछ भारतीय जनता पार्टी के, कुछ कांग्रेस के बागी लोग हैं, और कुछ खरीद लेंगे आप, सरकार है आपकी के साथ, नहीं खरीदने की बात ही नहीं ना, जो निर्दलीय है हमने उनका आकलन कर लिया है, वो निर्दलीय जो है जिनको टिकट नहीं मिल पाई और निर्दलीय जीत के आए हैं, क्योंकि उनकी जड़ें कांग्रेस में थी इसलिए वो अपनी जड़ों की ओर लौट रहे हैं और लौट चुके हैं। खरीद फरोख्त तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी का है, जो गोवा मणिपुर कर्नाटक में करके आए हैं, ये शैली में हम काम नहीं करते हैं। छत्तीसगढ़ में जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हर नगर निगम में जो निर्दलीय है उनको मिलाने से हमारा बहुमत बन रहा है जी। और जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के जो जीत के आए हैं निर्दलीय बतौर, क्योंकि उनकी विचारधारा कांग्रेस जुड़ी हुई है, इसे स्वाभाविक तौर पे वो कांग्रेस में लौट आए हैं, इसलिए ऐसी कोई परिस्थिति है नहीं। चलिए एक चीज तो आप तो इस तरह के बेतुके आरोप लगाना, जीत हार होती है जी। एक चीज आपने बहुत अच्छी कही, जीत हार होती है उसको सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए। बल्लानी जी, एक चीज आपने बहुत अच्छी कही, इसको याद रखिएगा, आपने कहा कि 15 साल रमन सिंह की सरकार थी तो
मशीनरी से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। मतलब आप ये आज मानेंगे कि ईवीएम का जो आप आरोप लगाते रहे कि ईवीएम के मार्फत जीते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपने कहा ना कि मशीनरी के माध्यम से चुनाव नहीं जीते, अपने बूते जीते जाते हैं। तो माने अगर 15 साल रमन सिंह 3 बार जीते हैं तो अपने बूते जीते हैं, मशीनरी के दम पे नहीं जीते हैं, ये आप मान रहे हैं। रहा सवाल दूसरा, तो आप सीधे कहिए ना संजय जी से कि हम ही ने दर्द दिया था और हम ही दवा दे रहे हैं। अरे महापौर का डायरेक्ट चुनाव किसने करवाया था? दिव्य सिंह के, उसमें जब मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ था, आप ही ने दिया था, अभी ने आप ही ने करवाया था। निश्चित रूप से और आप ही ने वापस ले लिया त्रिपाठी जी, वो प्रयोग सफल नहीं हो पाया तो हम वापस आ गए, कोई बात ही नहीं है। जहां तक ईवीएम की बात आप कर रहे हैं, ईवीएम के बारे में आज भी हमारी आपत्ति ये है त्रिपाठी जी, ये एक तकनीक है जी। इस तकनीक का किस स्तर पर दुरुपयोग होता है इसके बारे में कोई आज तक हो नहीं पाता है। तो अमेरिका और यूरोप के बड़े बड़े जो विकासशील विकसित देश हैं, जो तकनीक के मामले में बहुत आगे हैं, वो ईवीएम से नहीं करा के मतपत्र के माध्यम से करा रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि पारदर्शिता पूरी रहे, किसी को शक की गुंजाइश न रहे, इसलिए सारे चुनाव मतपत्रों के माध्यम से कराए जाने चाहिए। चलिए, आज भी हमारी ईवीएम पर आपत्ति बरकरार है। लेकिन ईवीएम भी कौन लाया था? आपको सोच विचार के लाना था ना, ईवीएम आप ही लेके आए थे, यूपीए सरकार में आया ईवीएम। सर छोड़िए, निश्चित तौर पे मनोज जी, सर हमको थोड़े मालूम था कि देश में एक ऐसी सरकार आएगी जो किसी भी हद तक कहीं भी जा सकती है। आज न्यायपालिका खतरे में है, चुनाव की संवैधानिक सत्ता खतरे में है, सीबीआई और इनकम टैक्स वाले लोग बिल्कुल रबर स्टैम्प बन गए हैं। हमको थोड़ी मांग था कि लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करने वाली सरकार आ जाएगी दिल्ली में। बरलानी जी, ईवीएम जब लाए थे तो उस दौरान अमेरिका ने ईवीएम से चुनाव कराना बंद कर दिया था, फिर भी आप आगे सोच विचार करके आपको करना था ना। आपको लग रहा था कि हम ही आएंगे, कांग्रेस उस बहुमत की सरकार है, आप फिर से आ जाएंगे, गड़बड़ यहाँ हो गई है। मनोज जी कितना ऐसा नहीं है, तत्कालीन जो चुनाव के अधिकारियों ने कहा था उसमें किया हमने। देखिए कैडर बेस्ड पार्टी, मॉस बेस्ड पार्टी से आगे निकल गई। आप मॉस बेस्ड पार्टी है, आपके साथ मॉस है, लेकिन कैडर बेस्ड पार्टी कहीं ना कहीं कैडर के साथ आपसे आगे निकल गई, इसलिए आपको ये परेशानी हो रही। मनोज जी कितना फर्क पड़ा है बैलेट पेपर और ईवीएम से होता है और बैलेट पेपर में, जैसा कि संजय जी आरोप लगा रहे हैं कि पूरा मशीनरी का भरपूर उपयोग हुआ है, पद्धति बदल दी गई है, इसका कितना असर पड़ा है? अगर डायरेक्ट चुनाव होते और इनडायरेक्ट हो रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता? देखिए सर, मेरी नजरों में कोई बहुत ज्यादा फर्क इससे नहीं पड़ा है, क्योंकि इस संबंध में हमने पहले ही जनमत सर्वेक्षण कराया था। हमारा एक कार्यक्रम हमने शुरू किया था पारा मोहल्ला चुनावी हल्ला, और उसमें हम रायपुर के अलावा जितने बड़े नगर निगम है वहां के आम लोगों से बात किया था, और उनकी राय जानी थी कि ईवीएम की जगह जो बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर उनका क्या मत है। तो ज्यादातर लोगों ने इस पर सहमति जताई थी कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी हो चुनाव पारदर्शी तरीके से हो। और आम लोगों को भी ये डाउट कहीं ना कहीं होता था कि ईवीएम में टेम्परिंग के बारे में इतनी ज्यादा बहस देशव्यापी हो चुकी थी कि आम लोगों को भी लगता था कि ये कैसे हो गया, इसलिए वो भी चाहते थे कि ये बैलेट पेपर के माध्यम से हो, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अप्रत्यक्ष तरीके से जो चुनाव कराए जा रहे थे उसको लेकर मिलीजुली बातें सामने आ रही थी। कुछ लोगों का ये कहना था कि पहले हम 2 वोट डालते थे, अब 1 वोट डाल रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारे 1 वोट नहीं डालने से हमको दिक्कत होगी, क्योंकि हम सीधे सीधे जो अपना मेयर है या नगर पालिका अध्यक्ष है या नगर पंचायत अध्यक्ष है, तो वो एक सीधे तुलना होती थी कि कौन बेहतर है, जो 2-3 श्रेष्ठ ऑप्शन होते थे उनमें कौन बेहतर है। अब की स्थिति में जब पार्षदों के बहुमत द्वारा महापौर तय होना है, तो इसमें जो है लोगों ने ये बताया कि ये जरूरी नहीं है कि जो पार्षद दल जिसको अपना नेता चुने वो हमारी पसंद का हो या ना हो, तो उसको लेकर जरूर 2 तरह का जो है अलग अलग तरह की बातें आई, लेकिन बैलेट पेपर से चुनाव कराने में जनता को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, लोगों ने इसका स्वागत किया था। जी मनोज जी, एक सवाल अग्निहोत्री जी करना चाह रहे हैं। मनोज जी, एक बात छूट रही है, जो नई व्यवस्था हुई है इसके साथ ही, कि जो खाली कुर्सी और भरी कुर्सी का जो चुनाव होता था उस व्यवस्था को भी वापस ले लिया गया है, तो आपके चुनावी सर्वेक्षण में यह भी बात सामने आई थी क्या? वापस वहाँ ले लिया गया है क्या, ये भी जानना चाहेंगे? मध्य प्रदेश में नोटिफिकेशन जारी हो गया है, यहाँ ले लिया गया है। वहाँ खाली कुर्सी भरी कुर्सी थी नहीं जी,
नहीं नहीं था नहीं लागू था खाली जी हमने हमने इन दो जी 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 हमने केवल ये दो जो विषय थे एक अप्रत्यक्ष तरीके से जो चुनाव कराने का जो निर्णय सरकार ने लिया था उसका जो है विपक्ष ने काफी विरोध किया था और सीधे सीधे ये आरोप लगाया था कि जो अंदरूनी सर्वे सरकार ने कराया है या कांग्रेस पार्टी ने कराया है और उसमें उनको लग रहा है कि जो माहौल है वो सरकार के खिलाफ है इसलिए जो है उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया कि जो है अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव कराया जाए और इस आधार पर जो सरकार में होने का जो फायदा मिलता है उसके आधार पर पार्षदों की संख्या और इस तरह से उसमें मैनिपुलेशन करके चुनाव जीता जाए। तो ये दो विषय पे ही हमने जो है सर्वेक्षण कराया था, खाली कुर्सी और ये वाली जो बात है इस पे हमने जनमत सर्वेक्षण नहीं कराया था जी। वहाँ भी लागू हो चुका है जो मुझे मालूम पड़ा है कि वहाँ भी खाली कुर्सी भरी कुर्सी वाला मामला मध्य प्रदेश में भी खत्म हो गया, वहाँ भी खत्म हो गया है। संजय जी निश्चित तौर पे जो भी आरोप है वो तो डायरेक्ट जी वो डायरेक्ट चुनाव के साथ जुड़ा हुआ था ना वो तो वैसे भी जी जी उसका अविश्वास प्रस्ताव कुछ नियम थे। मैं यहाँ पे बढ़ जाएगी स्पष्ट कर दूं ऐसा कोई सर्वे नहीं हुआ था कि हमारी स्थिति कमजोर है इसलिए हम व्यवस्था बदल रहे हैं। सर्वे सार्वजनिक थोड़ी बताने वाला होता है, आंतरिक सर्वे कराया था ना आपने। नहीं तो उसका आधार क्या है, आधार क्या त्रिपाठी जी, आधार तो विसंगति, आधार क्या अचानक क्यों, अरे अचानक नहीं अचानक क्यों, पहली बार चुनाव नहीं क्यों अचानक क्यों, आप जो ये गलत आरोप लगा रहे हैं। देखिए 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 ये ये यहाँ नहीं देखिए देखिए हार जीत तो लगी रहती है लोकतंत्र में, आप 15 साल हारे हैं सुन लीजिए सुन लीजिए क्यों, अरे भाई मेरा कहने का मतलब है चुनाव 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 हाँ तो सरकार थोड़ी ना बताएगी कि हम हार रहे थे, हम हार रहे थे इस तरह का कुछ ये तो देखिए सरकार है, सरकार तो हर 6 महीने में 2 महीने के अंदर में सर्वे कराती है, अपनी पोजीशन को चेक करती है, उसमें कोई बुराई तो बुराई भी नहीं है, लेकिन हाँ इस बात को स्वीकार करना है कि हाँ ऐसी रिपोर्ट आई थी। बदलाव से कोई आपने आरक्षण और परिसीमन के बाद यह निर्णय क्यों किया, चलिए उस परिसीमन में आपने क्यों किया संजय जी को पहले करना था ये, संजय जी उनने सरकार बनाई है ये राज्य सरकार के अधिकार की बात है, वो कैसे करे, ये राज्य सरकार को अधिकार ये प्राप्त है नहीं तो अरे नहीं तो अरे तो राज्य सरकार है, राज्य सरकार एक मिनट राज्य सरकार जनता के मतों से ना, जनता के मतों से ना बनती है ना, घर से बना लेते हैं बैठकर। अब जनता जनता के अनुरूप ही तो निर्णय होने चाहिए। चलिए चलिए संजय जी आपकी प्रक्रिया यदि चालू हो गई मान लीजिए ठीक है ठीक है, अधिसूचना डिक्लेयर नहीं हुआ लेकिन आपका परिसीमन हो गया, आपका आरक्षण हो गया, उसके बाद आप पद्धति बदलते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं एक बयान दे दूं, दुर्ग में उन्होंने कहा था कि डायरेक्ट इलेक्शन होगा, वो कटिंग मेरे पास आज भी है, बाद में 15 दिन बाद ये कह देना, नवभारत में इंटरव्यू दिया था उन्होंने, उन्होंने कहा था पद्धति नहीं बदलेगी डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, अचानक क्या कारण रहा, निर्णय निर्णय एक मिनट निर्णय पहले हो जाता है कमेटी बाद में बनती, इसको मैं प्रूफ कर दूंगा स्वराज चैनल में कि पहले घोषणा हो जाती है उसके बाद 3 मंत्रियों की कमेटी बनती है ये क्या है, क्या नाटक नौटंकी है, क्या घर की बात है, क्या आदेश का अपमान है, क्या केवल जनादेश हम सब कुछ करें, मतपत्रों का भी हेरफेर हुआ है संजय जी, ये अपनी हार को आरोप है, ये हार को आप बचा लीजिए है मेरा, ये आपका मेरा सवाल संजय जी, समय कम है, हार की खींच को समय नहीं जा रहा है, समय कम है, आप ही लोगों को जल्दी जाना है संजय जी, ये आप हार की खींच को अपना रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं बयान भी आपके लिए सवाल होगा संजय जी, एक सवाल है संजय जी, एक सवाल है, विधानसभा चुनाव में जबरदस्त हार के बाद आपको लोकसभा चुनाव में जबरदस्त जीत मिली थी, इसको लेकर के आप लोग लगातार ये कहते रहे हैं कि देखिए जनाधार बदल गया है, इन्होंने जीता 6 महीने के अंदर ही उल्टे रिजल्ट आ गए हैं, अब ये कहना तो बंद कर देंगे नगर निगम के चुनाव में कहीं भी थोड़ी सी ही आगे कांग्रेस आगे है तो वापस जनाधार आ गया है, तो अब तो ये कहना बंद ही कर देंगे ना कि लोकसभा में हमने इस तरह जीता नगर निगम में। देखिए जी, देखिए त्रिपाठी जी जी, देखिए त्रिपाठी जी, हम व्यवहारिक तौर की राजनीति करते हैं, अच्छा। हम केवल हल्ला गुल्ला नहीं जी। ये कह रहे थे, इनको याद होना चाहिए कि ये जब दिसंबर में जीते इन्होंने तमाम प्रकार के फ्री में ये देंगे, किसानों को दे देंगे, इनको ये होश था कि हम लोकसभा जीतेंगे, जब ये लोकसभा में हार हुई तो उन्होंने कहा केंद्र के मुद्दे हैं, मैं भी स्वीकार करता हूं कि थोड़े बहुत केंद्र के मुद्दे होंगे, लेकिन जिस तरीके से राज्य की यदि बात कर लें, राज्य की बात कर लें, यदि हम लोकसभा को हटा भी दें थोड़ा सा किनारे कर दें तो विधानसभा के बाद लगभग साल भर के बाद आज हमारी स्थिति पुख्ता हुई है, बावजूद इसके कि इन्होंने तमाम प्रकार की गड़बड़ियां की हैं, आप हार गए, इन्होंने कैसे पुख्ता हो गई, आप स्वयं हार गए भाई,
आप स्वयं हार गए, कहां से हुई? नहीं आया, क्यों बदल दिया आपने? मैंने पहले मैंने त्रिपाठी जी के साथ पहले ही सवाल में जवाब दे दिया था मैंने। सर मेरी चांस है, आप तो ईवीएम से जीते थे ना सर, 15 साल के बाद ईवीएम से सरकार बनाया था आपने। चलिए आपने ईवीएम से सरकार बनाया था, ऐसा नहीं कि मतपत्र से बनाया था। लेकिन साल भर में उन्होंने अपना विश्वास खोया। हार जीत से टाइमिंग गड़बड़ है, आपकी टाइमिंग से सवाल खड़ा होगा। बल्लानी जी, हार जीत से किसी के कद को नहीं नापा जा सकता। हार तो इंदिरा जी भी गई थी चुनाव, संजय गांधी जी भी हार गए थे, ये तो अलग अलग मुद्दा है। कैलाश नाथ काल के मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हार गए थे, हार से हारे दो बार चुनाव जी। वही तो मैं भूपेश बघेल हारे हैं रायपुर सांसद विधायक पाटन से। लेकिन त्रिपाठी जी हारने के बाद इस तरह के अनर्गल आरोप, अरे कहाँ गया आरोप आप लोगों का? ईवीएम वाला ईवीएम चुनाव नहीं करना चाहिए, मेरा ये कहना जो त्रिपाठी जी ने भी इंडिकेट किया। लोकसभा चुनाव जो था वो लोकसभा चुनाव तो एक साम्राज्य ध्रुवीकरण करके आपने एक साम्राज्य ध्रुवीकरण कर लिया। हम जीते तो साम्राज्य ध्रुवीकरण। अरे भाई दुनिया देखी और आपकी धर्म निरपेक्षता आज दिख रही है सीएए पे, आपकी धर्म निरपेक्षता है। वर्ग विशेष को समूह विशेष को आप हवा दे रहे हैं, हवा दे रहे सीए के नाम पर। अरे आपका आपका वोट बैंक खराब हो रहा है। चलिए समय, आप वोट बैंक की राजनीति करते हो, तुष्टिकरण के आधार पर करते हो। संजय जी बल्लानी जी, आप समय कम है, लोगों को हवा दे रहे हो सीए के नाम पर। बल्लानी जी, संजय जी, समय कम है, आप ही लोगों को व्यस्तता है, कहीं जाना है। बल्लानी जी आखिरी सवाल हमारा आपसे, आपने दावा किया है कि पूरे 10 नगर निगमों में आप कर लेंगे, सब व्यवस्था कर ली है, दल बदल विधेयक जो है वो महापौरों के पार्षदों के लिए नहीं लागू होता है, ये विधानसभा लोकसभा में दल बदल विधेयक है? चुनाव नहीं है, मैंने पहले ही आपसे निवेदन किया था। मैंने पहले आपसे निवेदन किया था कि हमको किसी भी तरह से कोई परेशानी इसलिए नहीं है कि दसों के दसों नगर निगम में जहां हमारा कमी बेसी पड़ रही है वहां जो निर्दलीय पार्षद जीत के आए हैं वो पार्षद कांग्रेस की विचारधारा वाले हैं, वो अपने घर वापसी उनकी हो चुकी है। हम खरीद फरोख में विश्वास नहीं करते ना, हमको जरूरत है। चलिए पड़ेगी तो बीजेपी विचारधारा की भी ले लीजिए, मणिपुर और कर्नाटक शुरू। अरे तो बल्लानी जी कह दो ना, कोरबा में बीजेपी का मेयर बनेगा, हमारा बहुमत है। नहीं तो ज्यादा है, नहीं निर्दलीय आज बयान आता है, आज निर्दलीय मुख्यमंत्री जी का कि कोरबा में भी बनाएंगे, बनाएंगे। मामला क्या है? निर्दलीय क्या है? निर्दलीय बीजेपी समाजवादी मिलकर की बात करते हो आप, लोकतंत्र जो अन्य पार्टी के लोग की बात कर रहे हैं आप, मतलब खरीद फरोख की बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती। हमारे मनोज जी ने हमें कहा था कि आप लोगों को जल्दी है थोड़ा सा, इसलिए 2-4-5 मिनट पहले प्रोग्राम खत्म कर दीजिएगा। चलिए तो अब आप जैसा कहे तो मैं इसको 1 घंटा खींच सकता हूँ, अगर आपकी अनुमति हो तो। धन्यवाद। नहीं कल फिर बुला लीजिए, मैं आने को तैयार हूँ इस विषय में, कोई दिक्कत नहीं मुझे। आपने बल्लानी साहब आपने एक बार धोखा दे दिया, लेकिन कल मैं जरूर आऊंगा, फिर आप नहीं आए थे। नहीं उस कल कांग्रेस की स्थिति हो गई थी, कांग्रेस की आदत है। अरे भाजपा वाले भी नहीं आए थे, वो भी कहा गए थे, केदार जी थे सर थोड़ी नहीं वो नहीं आए, इसलिए हम भी नहीं आए, क्या करते हैं ये समय। मनोज जी सिर्फ बहुत संक्षेप इतना जानना चाहेंगे, क्या आपका आकलन लग रहा है कि कितने महापौर बीजेपी के होंगे, कितने कांग्रेस के होंगे, कितने नगर पालिका अध्यक्ष कांग्रेस और बीजेपी होंगे, एक संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए लगभग 50% क्षेत्रों में हमारे अध्यक्ष बनेंगे। मैं मनोज जी से पूछ रहा हूँ सर, संजय जी मैं मनोज जी से पूछ रहा हूँ, संजय जी मनोज जी से पूछ रहा हूँ जी। देखिए मेयर महापौर के बारे में हमारा ये मानना था कि जिस तरह से संख्या बल के आधार पर कोरबा एक ऐसा लग रहा था कि वो कांग्रेस की पहुंच से दूर है, क्योंकि वहां पर महापौर बनने के लिए कांग्रेस को 9 निर्दलीय पार्षदों का समर्थन चाहिए, जो कुल 9 निर्दलीय हैं, वो सभी के सभी 9 यदि उधर चले जाए तभी वहां पर कांग्रेस का मेयर बनेगा, और यदि भाजपा को मेयर बनाना है तो 3 निर्दलीय मेयरों का समर्थन चाहिए था। तो इस आधार पर लगता था कि कोरबा में कहीं ना कहीं भाजपा को सफलता मिलेगी और जो है बाकी जगहों पर
कांग्रेस के अनुकूल वातावरण है कि उनको एक या दो मेयरों की आवश्यकता, पार्षदों की आवश्यकता है, तो इस आधार पर 9-1 का इक्वेशन लगता था। लेकिन आज जो बयान आया है कि कोरबा भी हमारा होगा, कुछ 3 निर्दलीय आज ही वहां के जो मंत्री हैं जयसिंह अग्रवाल, कांग्रेस चले गए, तो 9-1 का इक्वेशन ये समझ में आता था। लेकिन अब देखना होगा कोरबा का क्या होता है। चलिए ऐसे मनोज जी बता दो, कलेक्टर ही काफी होता है पार्षदों को इधर उधर करने में। बल्याणी जी बहुत मुस्कुरा रहे, कलेक्टर उन्हीं के हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बल्याणी जी, संजय जी आप और हमको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी बहुत हुआ ना ट्रांसफर, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ। तो नगरीय निकाय चुनाव के नतीजों के साथ बीजेपी के भीतर अब तक खामोश बैठी गुटबाजी पूरी तरह से सतह पर आ गई है। नेता हार का ठीकरा एक दूसरे के सिर पर फोड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा निशाने पर वो बड़े चेहरे हैं जिन पर संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी। संगठन से जुड़े सूत्र बताते हैं कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह से पार्टी समीक्षा से बच रही थी, इस दफा भी हालात ऐसे ही। तब प्रदेश अध्यक्ष रहे धर्मलाल कौशिक ने हार का ठीकरा कार्यकर्ताओं पर फोड़ा था। उनके बयान के बाद प्रदेश भर में कार्यकर्ताओं को उन्हें गहरी नाराजगी झेलनी पड़ी थी, जिसके बाद कौशिक को आगे आकर माफी भी मांगनी पड़ी थी। हालांकि तब सूबे में बीजेपी सरकार, लेकिन अब निकाय में मिली करारी हार की वजह बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी के चुनावी पैतरों को बता रही है। इसमें ईवीएम की जगह बैलेट से चुनाव कराया जा रहा भी बताया जा रहा है। बावजूद इसके सच्चिदानंद पासवान के शरीके वरिष्ठ बीजेपी नेता